बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन एवं नंबर प्लेट को ढककर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन हॉल में सभी यातायात निरीक्षक यातायात उप निरीक्षक के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि बहुत से लोग अपने दो पहिया वाहन के नंबर प्लेट को उखाड़ रखे हैं या नंबर प्लेट से नंबर मिटा दिए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑटो चालक अपने नंबर प्लेट को ढक रखे हैं या नंबर प्लेट नहीं लगाए हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने बिना हेलमेट के आते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान यातायात निरीक्षक यातायात उप निरीक्षक सहित ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, कुछ नहीं करना किसी से, बाकी गांधी चुपचाप अपना खड़ा हो जाए, ठीक है। और सुबह को सब लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, 80% लोग बिना हेलमेट के निकलते हैं। आप लोगों का यही तो है कि हेलमेट वाला कोई मिलता नहीं है, सुबह को कोई नहीं लगाता है। मैंने यहाँ तक देखा कि कितना घटिया काम करते हैं लोग, मतलब हेलमेट का जो पर्पज है वो खत्म हो गया। लोग अपने बच्चों को छोड़ने के लिए हेलमेट लगाते हैं, वो सब आपको इन रास्तों में मिल जाएंगे। ये हमारी रेगुलर मीटिंग है, हमने ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स के लिए बुला के उनके कार्य के बारे में उनके लिए और सेंसिटाइज किया कि ट्रैफिक व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट करने में अपनी ओर से नए नए इनिशिएटिव्स लें। हमारे कुछ सब इंस्पेक्टर्स ने जो है नए नए इनिशिएटिव लिए हैं लेफ्ट लेन क्लियर कराने के लिए, तो उनके लिए हमने प्रमोट किया और सभी के लिए जो है सभी ने कमिटमेंट किया कि सभी लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे यातायात व्यवस्था को, गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को एक मॉडल के तौर पे बनाने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, लेफ्ट लेन तो आपकी तरफ पुलिस द्वारा जारी की जाए, लेकिन लोगों को जागरूक कर दिया। लेफ्ट लेन के लिए मेरा नागरिकों से ये अनुरोध है कि अगर उनको लेफ्ट नहीं मुड़ना है तो वो रास्ता चौक करते हैं जिससे दूसरे भी लेट होते हैं, तो बेटर ये है कि अगर लेफ्ट में नहीं जाना है तो लेफ्ट लेन को खाली रखें और एक समझदार और सभ्य गोरखपुर वासी होने का प्रमाण दें, गोरखपुर को एक पहचान दें कि लोग बिना इंडिकेशन के बिना एनफोर्समेंट के स्वयं ही एक अच्छी बेहतर व्यवस्था देने के लिए जनता खुद ही आगे से आगे आए, तो यही हमारे शहर को स्मार्ट बनाने का सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि ये नोटिस में आया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने टू व्हीलर का एक नंबर उखाड़ रखा है या मिटा रखा है, ऐसे लोगों के खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा और उनकी गाड़ी को रोककर उनकी आरसी चेक की जाएगी, उनका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा और ऐसे लोगों की गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो उनके खिलाफ़ मुकदमा भी लिखा जाएगा। तो इसी संबंध में ये मीटिंग की गई। इसके अतिरिक्त ऑटो चालक जिन्होंने बाहर की चेसिस में परिवर्तन कर रखा है, अननेसेसरी गार्डर लगा रखे हैं या अपने नंबर प्लेट को ढक रखा है, ऐसे ऑटो चालकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में गोष्ठी करके सभी उप निरीक्षक गणों को ये कड़े निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक रूल्स को कोई स्किप ना करने पाए, कोई उससे बचना ना पाए, और जो लोग जानबूझ के अपनी नंबर प्लेट में चेंज करेंगे या कोई नंबर के लिए हटाएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ 420C का मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।